तो आप जिस स्थान में बैठे हो इस स्थान का नाम है गोविंद कुंड और भगवान की अद्भुत लीलाओं के विषय में भगवतम के दस स्कंद द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हो। तो भगवान ने अपनी लीलाओं को प्रकट करना आरम्भ कर दिया था। एक दिन भगवान ने देखा उनके पिता मधु से के साथ यज्ञ की तैयारी कर रहे थे और इंद्र जी की प्रशंसा की। भगवान गीता कहते हैं यज्ञ दान तो बस गया किसी को त्यागना नहीं। तो नान महाराज छोटे किसान नहीं थे, उनके पास 9,00,000 गाय थे। कितना तो अंदाजा लगा सकते हो कितनी जमीन होगी। हमारे कृष्णवाड़ा मंदिर में 400 गाय हैं और 12 एकड़ की जमीन है। धनराज छोटे किसान ही थे, बहुत बड़े थे। तो भगवान ने उनसे पूछा क्या यज्ञ की तैयारी कर रहे हो बड़े उत्साह के साथ, और धन महाराज ही नहीं सारे किसान यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। भगवान ने पूछा क्या कर रहे हो आप पिताजी। पिता ने सोचा 7 साल का बेटा है वो क्या समझेगा। उन्होंने ठीक उत्तर नहीं दिया। फिर भगवान ने फिर पूछा, फिर भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया। फिर भगवान ने कहा मित्रता में कोई बात छुपाई नहीं जाते। अभी छुपा रहे मेरे से ये क्या यज्ञ हो रहा है किसकी खुशी के लिए। ऐसे तो भगवान को पता था पर उन्होंने ऐसे व्यवहार किया जैसे उन्हें पता नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा मेरा हम किसान है, हमारी सभ्यता निर्भर है वर्षा के ऊपर। वर्षा आएगी भगवान का उत्पादन नहीं होगा, तो इसलिए हम हर साल इंद्र यज्ञ करते हैं हर साल। तो भगवान को पता था इंद्र बड़े घमंडी बन गए और भगवान चाहते थे उनके मन को तोड़ा जाए। चेले ने माँ प्रभु ने क्या कहा, जनाद विष्णु चेहरा थोड़ा विष्णु, अगर आप चाहते हो कि हरि नाम सदा के जीव से निकले तो विनम्रता का भाव होना चाहिए। तो इंद्र देवता घमंडी हो गए थे। तो भगवान ने अपने पिता से कहा इस यज्ञ की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कर्मों के आधार पर सुख दुख प्राप्त होता है। जो आपके लिए किस्मत ने लिखा है कर्म राम सगा दान दिया वो तो आपको मिलेगा ही, कोई यह करने की कोई जरूरत नहीं। तो इस प्रकार प्रचार करने के द्वारा उनके पिता ने कहा ठीक है इन्हें यज्ञ नहीं करते। भगवान ने कहा यही यज्ञ यही समान जो तुमने इकट्ठा किया है इंद्र की खुशी के लिए ये आप इस्तेमाल करो। किसके लिए? ब्राह्मणों खाओ और गो बना। ब्राह्मणों के समाज में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हुए नमाया शिक्षा और ब्राह्मणों की तुलना की जाती है सिर के साथ। तो भगवान ने कहा इंद्र यज्ञ की वजह यही यज्ञ जो तुमने तैयार किया है अर्पण करो किसे ब्राह्मणों को और गायों को और गोड़ों। गायों की सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। 9 माता में 1 माता है और जिस समाज में गायों की सुरक्षा होती है वो समाज में शांति प्राप्त होगी। और आज हम क्या देख रहे हैं भारत जैसे देश में भी गायों की हत्या
भारत में गाय के मांस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मुसलमान नहीं है, एक हिंदू है पंजाब में, गाय के मांस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो लिखा है कि अगर गाय का एक छोटा टुकड़ा चमड़ा भी खाओगे तो जितने बाल हैं उस गाय में, एक गाय में लाखों बाल होते हैं, उतनी बार उन्हें जन्म लेना पड़ेगा, उनका उनकी मृत्यु होगी। उसी रूप से जैसे गाय को काटते हैं उसे काटा जाए, तो गायों की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। और गोविंद ने कहा दिया है गायों की सुरक्षा और ब्राह्मणों की। तो भगवान के कहने पर नहीं महाराज ने निर्णय कर लिया यही यज्ञ जो तैयार हुआ था इंद्र के लिए उसे उपयोग करेंगे, किसकी प्रशंसा करें, गाय ब्राह्मण और गोवर्धन। इंद्र ने देखा कि छोटे बालक के कहने पर नहीं महाराज ने सारा यज्ञ बंद कर दिया, इंद्र ने इसका बड़ा अपमान महसूस किया। ये छोटे 7 साल के लड़के के कहने पर पूरा यज्ञ रोक दिया, ये हम नहीं स्वीकार कर सकते। इंद्र ने निर्णय कर लिया क्या, कि मैंने ब्रिजवासियों को सबक सिखाना है। तो सबसे पहले इंद्र ने समुद्र का बादल को कहा, तुम जाओ ब्रज के ऊपर, समुद्र का बादल जब चलता है इतनी आवाज करता है, और जो बारिश बरसती है उस बादल के द्वारा उसका एक बूंद एक खंभे के बराबर होता है, एक बूंद अंदाजा है। तो समुद्र का बादल को भेजा ब्रज के ऊपर, और इंद्र खुद अपने हाथी के ऊपर बैठते एरवा था बैठ कर आए बारिश बरस रही थी। और जैसे मैंने कहा मैं पानी का बूंद खंभे जितना भारी था, इतनी तेजी के साथ सबको ठंड लगने लगी, वायु तेजी के साथ बारिश तेजी के साथ और ठंडरिंग और जोर से आवाज, सारे ब्रिजवासी जब उन्होंने ये देखा तो घबरा गए। उन्होंने कहा अब क्या होगा क्या होगा, सबने गोविंद की तरफ देखा। जो भक्त हैं वो सुख में या दुख में केवल भगवान की शरण लेते हैं, अगर कष्ट हो तो सोचते हैं हमें तो और गहरा कष्ट भुगतना चाहिए था, भगवान के असीम कृपा से छोटी मात्रा में प्राप्त हो रही। और अगर सुख प्राप्त हो तो भक्त सोचता है ये भगवान की असीम कृपा है, मुझे ये सुख सुख ये सुविधा प्राप्त हुई। तो ब्रिजवासी जब उन्होंने देखा कि इतने क्रोधित हो गए हैं वो सब घबरा गए क्या होगा, और सब भगवान की तरफ देखना है। भगवान ने कहा डोंट वरी घबराओ मत, अगर एक या दो व्यक्ति होता है तो छाता से भी काम चल जाता है। तो पूरा ब्रज लाखों भर गाय तो इतनी तेजी से बारिश हो गई, भगवान ने कहा बचाओ घबराओ मत। भगवान ने कोलान पर्वत को छाता के रूप में उठा लिया। उस समय गोवर्धन पर्वत जो था इतना ऊंचा था कि पृथ्वी से आकाश तक बैठता था, इतना ऊंचा था। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को तो बाएं हाथ पर उठाया, और बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून के बल पर पूरे पर्वत को उठाया।
सारे ब्रिजवासी गाय आगे कहा उस छत के नीचे सब भगवान की तरफ देख रहे थे, सोच रहे थे इतनी तेजी के साथ आंधी आ रही है, इतनी तेजी के साथ बारिश बरस रही है कि ये पहाड़ छोटे बच्चे के हाथ से गिर नहीं जाए। मैंने कहा घबराओ मत, पहाड़ नहीं गिरेगा। और बाएं हाथ के छोटे उंगली के नाखून के बल पर उन्होंने 7 दिन के लिए उठाया, जबकि तेजी से बारिश बरस रही थी, तेजी से वायु आ रही थी। 7 दिन तक उन्होंने इंद्र ने देखा कि उनकी योजना सफल नहीं हुई। इंद्र ने देखा उनका इतना बड़ा प्रयास था तो कुछ नहीं कर पाए। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रिजवासियों को सुरक्षा दी। और इंद्र ने जब देखा कि उनका प्रयास सफल नहीं रहा तो समझ गए अब मेरी हार है। उन्होंने समुद्र का पार होगा वापस जाओ बच से निकलो। तो 7 दिन 7 रात के लिए जो ब्रिजवासी थे वो केवल भगवान के चेहरे को देख रहे थे। भगवान के चेहरे को देखकर बिल्कुल संतुष्ट और कोई भूख के प्यास नहीं लगी। वैसे तो हमें प्यास लगती है भूख लगती है। तो ये 7 दिन के तक दिन रात बारिश बरस रही थी और सारे ब्रिजवासी इतने संतुष्ट थे कि ना उन्हें प्यास लगी ना भूख लगी। तो इसे हम सीख सकते हैं कि अगर हम सदा भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान की सेवा में जुड़े तो हम ही भौतिक प्यास और भूख से बच पाए। तो नहीं तो हम भौतिक समाज में प्रयास करते जाते हैं ये सोच कर कि इस कार्य से संतुष्ट नहीं मिली अगले से मिलेगी, अंत में परिणाम क्या है अपनी इसी प्रकार से संतुष्ट नहीं हो सकते। अगर आपको असली संतुष्ट चाहिए तो परम भगवान के शरण स्वीकार कर लिया क्योंकि प्रयास हो रहे था। उन्होंने समता का पालन हुई रोक दिया था जाओ बाहर। और जब गए बारिश सब रुक गई थी तो भगवान ने इसी गोवर्धन पर्वत को पहले उठाया हुआ था कहाँ रख दिया। तो इंद्र समझ गए कि उनकी योजना सफल नहीं था। इंद्र ने सोचा अब मुझे पछताना चाहिए, अब मुझे कोई तपस्या करनी चाहिए। इंद्र सुलावी गाय के साथ इस गोवर्धन कुंड में आए और इंद्र ने भगवान से स्वीकार किया कि मेरी भूल थी कि मैंने सोचा कि मैं हूँ परम भगवान, आप हो परम भगवान, ईश्वर परमा कृष्ण हरे हरे गोविंद। अनेक ईश्वर है तो एक ही परमेश्वर है। तो भगवान यहाँ थे, इंद्र ने उनका अभिषेक किया। सुरावी गाय का एक गुण यह है कि अनपे दूध मिल सकता है, अनपे यानी कि थोड़े से के समय भी नहीं सकता। सुरावी गाय से भगवान का अभिषेक किया। वही कुंड के पानी है भगवान के अभिषेक का पानी। उसके पश्चात सारे देवता आए, राजा जी शिव जी इत्यादि
हमने भगवान के अभिषेक में जोड़ दिया और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की बहुत सुंदर आरती की, बहुत सुंदर आरती। और फिर ब्रह्मा जी आरती का सामान छोड़कर चले गए। फिर जो ग्वाले थे वो इधर आए, ग्वालों ने देखा आरती के आरती का सामान यहाँ पड़ा है। उन्हें ये नहीं पता था किस कारण। फिर उन ग्वालों ने भी भगवान की आरती की, ब्रह्मा जी ने ये बड़ा शुभ स्थान गोविंद। और ये जो जल है भगवान के अभिषेक, तो गोवर्धन शीला जो है, गोवर्धन ये शीला भगवान में मेहनत करने है। जब नंद महाराजों के साथियों ने ये अपना यज्ञ रुकवा दिया था और वो यज्ञ अर्पण किया किसी खुशी के लिए, ब्राह्मणों के लिए और गायों के लिए, भगवान ने सारा जो यज्ञ के बिल तैयार था खा लिया। भगवान ने कहा मैं हूं गोवर्धन। दूसरे शब्द में भगवान और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं। इसलिए 1515 में जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि हम इस पर्वत पर नहीं चल सकते, क्योंकि ये जो पत्थर हैं इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो ये वो शुभ स्थान यहाँ की भगवान की आवश्यक का जल है। यहाँ इसी स्थान पर माधवनपुरी की बैठक भी है। माधवनपुरी बहुत ऊंची कोटि के भक्त है। चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या था और ईश्वरपुरी के गुरु का नाम क्या था? माधवनपुरी 24 घंटे भगवान का गुणगान करते रहते थे। और अगर किसी ने उन्हें खाने के लिए कुछ दिया तो खाते थे, नहीं तो भूखा रहते थे। तो इसी स्थान पर माधवनपुरी एक दिन गोवर्धन परिक्रम करके विश्राम कर रहे थे तो एक बहुत सुंदर ग्वाला वहां पहुंचा। भगवान ने कहा हे संत महात्मा, तुम मुझे भूखे लगते हो और मैं दूध आया हूँ, इस दूध को पी लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहा दूध निकालता माने ने पूरी ने इतना खूबसूरत बालक कभी देखा नहीं था, ना ही इतनी खूबसूरत कंठ सुना था। माधवनपुरी यज्ञ के चेहरे को देखकर बड़े प्रभावित हुए। दूध पी लिया तो ग्वाला जो था वो वापस नहीं लौटा मटका लेने के लिए। तो माधवनपुरी को हल्की सी नींद लग गई। उस नींद में उन्होंने उसी बालक का दर्शन प्राप्त किया और उस बालक ने कहा कि मुझे मुसलमानों के अत्याचार से बचाने के लिए इस मेरी मूर्ति को डुबा दिया था, मैं चाहता हूँ कि तुम उस मूर्ति को वहां से निकाल कर स्थापना करके अभिषेक करके स्थापना। तो जमात में पुणे ने देखा वही बालक जिसने उन्हें दूध दिया था पीने के लिए स्वयं भगवान थे, वो बड़े शर्मिंदा हो गए।
क्यों? मैंने भगवान से सेवा ले ली, एक तरह से प्रसन्न थे कि भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, तो दूसरी तरफ से शर्मिंदा हो गए ये सोचकर मैं भगवान से सेवा ली। ये होना चाहिए हमारा भाव, हम सेवा करेंगे तो भगवान से सेवा लेंगे, ये नहीं कि हम जुड़े हैं भक्ति में इस इच्छा के साथ हमारी सब पौधे की इच्छाएं पूरी हों। तो माता पूरी ने अगले दिन गांव के भक्तों को बुलाकर कहा, सबने मैं क्या देखा, सबने निर्णय कर लिया चलो चलकर देखते हैं उस स्थान में भगवान की मूर्ति है या नहीं। तो उन्होंने खोदा, झाड़ियों को काटा, मजे का वही भगवान की मूर्ति जिसकी स्थापना ब्रज ने की थी लगभग 5,000 साल पूर्व, वहां 500 साल पहले मुसलमानों का राज्य था और मुसलमानों ने लगभग सारे प्रसिद्ध मंदिरों का को नाश कर दिया था और कई उन्हें मूर्तियों को वृंदावन ले आए और छुपाया और कई मूर्तियों की स्थापना हुई जयपुर में, इसलिए जयपुर का एक और नाम है गुरु वृंदावन। तो इस सब भक्तों का सहयोग के साथ 2 दिन में तैयारी की और गोपाल जी की स्थापना हो गई और पूरा ब्रज जुड़ गया गोपाल जी के में, और थोड़े समय में ही गोपाल वगैरह सबसे धनी व्यक्ति बन गए। खेती भी थी, गायें भी थी, हर घर में खेती थी, गायें थी, इत्यादि। तो 2 साल के लिए माधवन पूरी के निर्देश में भगवान की उपासना हो रही थी। माधवन पूरी सारी पूजा खुद कर रहे थे, सारा दिन वो कुछ नहीं खाते थे, रात को भगवान को सुला कर थोड़ा सा दूध पीते, पर यही थी उनकी खुराक। तो भगवान ने कहा कि माधवन पूरी में तुम्हारा भारी हूँ कि तुमने मेरी स्थापना की, मुझे अभी भी ठंड लग गर्मी लग रही है, मैं चाहता हूँ तुम जाकर मैं क्या देखे आप आपने देखा होगा कि इसका मंदिर में गर्मी के मौसम में चंदन लगाते हैं, सर्दी में नहीं लगाते। तो माधवपुरी ने 2 बंगाली ब्राह्मणों को शिक्षा दी, ब्राह्मण बनाया और जमींदारी सौंप कर चल पड़े कर गिर जाने के लिए यमुना में। यमुना बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, इसका नाम मंदिर भी है उधर, और वहाँ एक बहुत ही प्राचीन कहा जाता है 10,000 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं जिनका नाम है पहले नाम था गोपीनाथ। तो माधव पूरी जब यमुना पहुंचे उन्होंने पूछा इस मंदिर में बड़ा अच्छा प्रसाद भगवान को भोग लगाया, भोग में लगाते हैं, उनकी इच्छा थी कि अगर स्वीट राइस मुझे चखने का मौका मिले तो मैं लौट कर अपने गोपाल के लिए भी बनाऊंगा, पर ये भाव प्रकट हुआ जबकि भगवान को भोग लग रहा था। नियम ये है जब आप भोग को तैयार कर रहे हो आपका भाव होना चाहिए ये भगवान की प्रशंसा के लिए, और जब आप भोग लगा दो 15 मिनट बाद खा सकते हो। माधव पूरी शर्मिंदा हो गए, सोचने लगे मेरे मन में ये इच्छा प्रकट हुई चखने की, जब भगवान को भोग लग रहा था तो कोई किसी को कुछ
कहे बिना शहर में चले गए जाप करने के लिए। भगवान ने क्या किया, पर भगवान हरि के हृदय में विराजमान है सर्वसच्चा में हृदय स्थान विश्व। भगवान ने शाम के समय रोज शाम को उस मंदिर में खीर के 12 प्याले मोह के रूप में लगाते, तो शाम को भगवान ने एक खीर का प्याला छुपा लिया और उसको पर्दे के पीछे छुपा दिया और पुजारी को आदेश दिया सपने में कि मैंने मंदिर के पर्दे के पीछे एक खीर का प्याला छुपाया है, उसे लेकर मानन पूरी का एक नाम का भक्त है उसे पूछा। पुजारी आश्चर्य हो गया, एक खीर का प्याला भगवान ने चुराया, ये कैसे संभव हो सकता है। जो गया वहां भगवान को जगा कर देखा समय ये तो सच है, और उन्होंने फिर वो गए बाजार में जहाँ मानन पूरे भजन कर रहे थे और पुजारी वहां पहुंचा प्याले के साथ और कहने लगा, तो बड़े भाग्यवान हो, तुम्हारी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर मुझे आदेश दिया सपने में, मैं तुम्हें ये पूछा मानव पूरी बड़े प्रसन्न नाचने लगे। और फिर उनको चिंता थी कि अगर ये संदेश पहुंच जाए शहर में ये मानव पूरी की खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया तो सब उनका गुणगान करेंगे। जो भक्त हैं वो यही चाहते कि सब उनको कहें अरे तुम कितने अच्छे भक्त हो, हम तो चाहते हैं सब हमारी तारीफ करें। समाधान पूरी चाहते नहीं थे उनकी तारीफ करें, वो छोड़कर जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी में मंदिर के अधिकारियों ने चंदन दिया, साथ में दो व्यक्ति दिए उनको प्रयोग करने के लिए। मंदिर में जितने चुंगी के अधिकारी थे वो सब मुसलमान थे, तो माधनपुरी वापसी पर लौट रहे थे। फिर यमुना में रुके, यहाँ भगवान ने सपने में उनको एक और सपना फिर आया, और सपने में भगवान ने कहा कि मेरे में और गोपाल में कोई अंतर नहीं, यही चंदन तुम गोपाल को चढ़ा कर लगाने के बजाय मुझे लगा दो, गोपीनाथ को लगा दो। तो फिर माने पुणी ने ये सपने का वर्णन किया इन भक्तों को। फिर दो हफ्ते के लिए माने पुणी मारे कर उन्होंने शिक्षा दी कैसे चंदन लगाना चाहिए। तो माधन पूरी जब गोदान एकदम करते थे यहाँ जो बैठक स्थान है वहाँ बैठ कर अपना भजन करते थे, तो आप से माधन पूरी से प्रार्थना कर सकते हो कि हमारे में भी वही भाव हो कि हम सदा हरि ग्राम में जुड़े रहें और हरि की सेवा में जुड़े रहें। और गोवर्धन लीला गोवर्धन और भगवान में कोई अंतर, गोवर्धन जी से हम प्रार्थना करते हैं क्या यहाँ भक्ति में बढ़े हैं आगे, तो परिक्रम करते दौरान आप गोवर्धन का दर्शन प्राप्त करो। गोवर्धन पूजा की मालन पूरी की Hare Krishna, Krishna Krishna.